आज हर व्यापारी की एक समस्या बन गई है कि अच्छा मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढे, कौन सा व्यापारी अच्छा मैन्युफैक्चरर है ये जानना काफ़ी मुश्किल हो गया है और हर व्यापारी की कहीं ना कहीं ये परेशानी है। तो आज आपकी ये परेशानी काफ़ी हद तक कम कर देंगे। आज का वीडियो आप पूरा देखें, आपको वो सटीक जानकारी मिलेगी जो आपको एक अच्छे मैन्युफैक्चरर को ढूंढने में काफ़ी सहायता करेगी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको बड़ा मैन्युफैक्चरर चाहिए या एक सच्चा होलसेलर व्यापारी चाहिए? जवाब आप कमेंट में दें कि आपको एक ब्रांड चाहिए कि बड़ा मैन्युफैक्चरर का ब्रांड उसके पीछे लगा हो, या एक सच्चा और अच्छा व्यापारी चाहिए जो आपको होलसेल में माल देता हो, अच्छे रेट में देता हो। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चाहिए। आपको प्राथमिकता वहाँ देनी चाहिए जहाँ आपको अच्छा रेट, अच्छी क्वालिटी और अच्छा व्यवहार मिले। ये तीनों चीज़ें आपको जहाँ मिलती हैं वहाँ से आपको व्यापार करना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं कि वो एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है या एक सच्चा और अच्छा होलसेलर है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर की परिभाषा क्या देंगे? सूरत के अंदर में हर कोई अपने आप को मैन्युफैक्चरर बोलता है। 2 लाख से ऊपर सूरत में मैन्युफैक्चरर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 1,96,000 अभी आंकलन में मुझे पता चला कि ऐसे नाम रजिस्टर्ड हैं जो व्यापार कर रहे हैं सूरत में। दुकान की बात करूँ तो 400 से ऊपर यहाँ बड़े बड़े मार्केट हैं, जहाँ नंबर ऑफ शॉप की बात करूँ तो कई लाखों में है। तो जब इतनी संख्या में व्यापारी यहाँ जुड़े हैं और हर कोई अपने आप को मैन्युफैक्चर करता है, तो क्या आप हर जगह पहुँच पाते हैं, हर जगह से व्यापार कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको वहाँ ढूंढना है आपको जो चीज़ें अच्छी दें, व्यवहार अच्छा हो, रेट जिनके अच्छे हों, आपको ऐसे व्यापारियों को ढूंढना है। वो चाहे मैन्युफैक्चरर हो या होलसेल हो, वो आपका लुकआउट नहीं होना चाहिए। वो कपड़ा खुद बनाता हो या किसी और से बनवा करके बेचता हो, ये चीज़ों पे आपको नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ जाना है और जाना है जो अच्छी चीज़ देता हो, अच्छे रेट देता हो, जिनका व्यवहार अच्छा हो, जो चीज़ जो दिखा रहा हो वो चीज़ दे रहा हो, रेट और जगह से उसके रीजनेबल हो या सिमिलर हो। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह से मेरे रेट सस्ते होंगे, लेकिन रीजनेबल होने चाहिए। हर जगह से अपने ढूंढने जाएँ तो इक्वल जैसे रेट मिलने चाहिए, क्योंकि सस्ते की भी कोई परिभाषा नहीं आई। सस्ते के चक्कर में अपने 10 दिन 20 दिन सूरत में घूमते नहीं रहेंगे। पता चला जितना सस्ता कपड़ा मिला नहीं उससे ज़्यादा तो अपने रहने खाने पीने का खर्च कर दिया और वहाँ व्यापार का नुकसान गांव में हुआ सो अलग। तो इसलिए आपको अच्छे व्यापारी की तलाश करनी है जो आपको सही रेट दे, सही चीज़ दे, जो बताए, जो दिखाए। जैसा कि आपने हमारे साथ जुड़े हुए हर ग्राहकों का अनुभव लिया होगा कि हमारे साथ जो भी जुड़े हैं उनके अनुभव ऐसे ही रहे, जो भी चीज़ उन्हें दिखाई गई वो मिलती है उन्हें। और हर चीज़ मैं बनाता हूँ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ साड़ियों में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। जो साड़ियाँ मैं बनाता हूँ वो सारे हमारे खुद के प्रोसेस हैं। साड़ियों के अलावा जो अदर आइटम है, कुर्ती, ब्लाउज, पेटीकोट, ये सब मैं नहीं बनाता, क्योंकि आज पेटीकोट जैसे आए सब आइटम सूरत में बनती ही नहीं है, उसके फैब्रिक में नहीं आते। फिर भी यहाँ पे बनाने वाले लोग यही बोलते हैं कि भाई पेटीकोट का भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें रियलिटी ऐसी नहीं है। हर चीज़ एक मैन्युफैक्चरर नहीं बना सकता, वो एक लिमिटेड आइटम में ही काम कर सकता है। अगर साड़ी के व्यापार में है तो साड़ी बना सकता है, लहंगे के व्यापार में लहंगा बना सकता है, ब्लाउज पेटीकोट के व्यापार में ब्लाउज बना सकता है। मतलब सारी चीज जो आप देखते हैं कई बार YouTube पे कि एक ही छत के नीचे आपको सब चीज यहाँ बनती है, वो चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। वो कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरर हर कुछ आपको दे सके। वो एक लिमिटेड आइटम ही बना पाता है, और जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है, अच्छा मैन्युफैक्चरर है, वो सिंगल पीस में या सिंगल सेट में काम करने को भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जहाँ उसके पास हजारों की क्वांटिटी में लेने वाले ग्राहकों की लाइन लगी है, वो आपको एक सेट या एक पीस क्यों देगा? उसके पास ना तो इतना समय होता है, ना उसकी इतनी मार्जिन होती है। तो आप बड़े मैन्युफैक्चरर या अच्छे मैन्युफैक्चरर के चक्कर में ना पड़ें, आप एक अच्छे व्यापारी के चक्कर में आए, जो व्यापारी आपको सही चीज़, सही रेट, सही व्यवहार दे सके, जो चीज़ आपको दिखाता हो वो दे सके। अगर ये चीज़ पे आप जिस दिन से ध्यान देना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपके साथ फ्रॉड और चीट होना बंद हो जाएगा। लोग के साथ फ्रॉड और चीट तभी होता है जब वो अपनी मानसिकता में उलझे रहते हैं कि हमें बड़े मैन्युफैक्चरर के पास जाना है, जो रहना खाना फ्री दे वहाँ जाना है। आज लोग वीडियो में देखते हैं, आप आइए, रहिए, खाइए, पीजिए, सब फ्री है, और हम सूरत के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर भी हैं। लोग वहाँ गलत फंस जाते हैं। तो आपको इस तरह के वीडियो वाले जो थंबनेल देखते हैं उनसे भी बचना चाहिए। कोई भी अगर रहना खाना पीना ऑफर दे रहा है, आपको उस झांसे में नहीं आना है। आपको ये देखना है कि वो ऑफर दे रहा है
तो उसके रेट सही है कि नहीं, वो माल जो दिखा रहा है वो देगा कि नहीं, अगर वो माल दे रहा है तो माल कितने दिनों में रिटर्न लेगा अगर हमारे पास नहीं बिकता है, क्योंकि हम नए व्यापारी हैं, कहीं भी कोई भी गलत माल ले सकते हैं। तो अपने इनवाइस पे वो चीज लिख के देता है कि नहीं, हम जो भी सेट टू सेट माल है 2-3 महीने में आपका बदल देंगे। तो इस तरह से आपको वो सब चीजें भी समझ लेनी है। आप किसी भी व्यापारी के पास जाते हैं तो आपको उससे क्या आइडिया लग जाएगा कि ये सही चीज दे रहा है, सही रेट में दे रहा है, क्योंकि जो गलत करते हैं वो इस तरह के कमिटमेंट भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ग्राहक दोबारा चाहिए नहीं, एक बार में वो जितना ले सकते हैं उनसे ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि मतलब एक ही बार में लंबी तलवार से गर्दन काट दो, दोबारा तो वो ग्राहक आएगा नहीं। तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। एक अच्छा मैन्युफैक्चरर या सच्चा व्यापारी कभी भी फेक टाइटल या फेक थंबनेल आपको उसके वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। कोई भी अच्छा व्यापारी, मैं सूरत का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ ऐसा नहीं लिखता। आज सूरत के अंदर में 2 लाख व्यापारी है, अगर हर व्यापारी अपने आप को सबसे बड़ा व्यापारी लिखने लगे तो आप बड़ा व्यापारी किसे कहेंगे? आप किस व्यापारी को समझेंगे ये बड़ा है? यहाँ तो सब के सब अपने आप को बड़ा व्यापारी बोल रहे हैं। तो आपको थंबनेल पे कभी भी भरोसा नहीं करना है। टाइटल थंबनेल देख के आप कभी भी गुमराह ना हो, कभी भी आप उस टाइटल पे नहीं जाएं। आप व्यापारी को समझें, जानें, उसके बाद ही आप उससे व्यापार शुरू करें। और आज कोई भी यूट्यूबर है, उन्हें किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पैसे मिलते हैं, वो कभी भी ये सियोरिटी नहीं देते आपको कि कुछ भी आपके साथ होगा तो वो हमारी जिम्मेदारी है। वो डिस्क्लेम पहले ही लिखते हैं कि आपके साथ कोई भी घटना घटती है तो वो आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है, आप समझ के काम करें। तो मैं उन यूट्यूबर से भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको उनकी गारंटी भी लेनी चाहिए, क्योंकि जो आपके व्यूवर हैं वो देख के आपके भरोसे आते हैं उस दुकान पे माल लेने के लिए, और उनके साथ गलत होता है और आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपने उस व्यापारी को अच्छे से समझा नहीं, जाना नहीं, आपने सिर्फ पैसों लेके उनके वीडियो बनाए और प्रमोट किए। तो आपको ऐसे व्यापारियों को भी वीडियो नहीं बनाने चाहिए जो कि यूट्यूब पे आके फ्रॉड करते हैं। आप उन्हीं व्यापारी के वीडियो बनाइए जो जेन्युइन हो, सटीक हो, आप उनकी गारंटी दे सके कि भाई यहाँ पे आके आप व्यापार करो, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो आप ऐसे ही यूट्यूबर का वीडियो देखें जो इस चीज़ की गारंटी लेते हो कि आप आइए, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, जो डिस्क्लेम स्टार्ट में लिखते हैं कि आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो वैसे यूट्यूबर को आप अनफॉलो कीजिए और अपने व्यापार को सेफ साइड लेके जाइए। कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लगा, और आपने 1 जनवरी को जो मेरा वीडियो अपलोड हुआ था वो वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में वो 12 ऐसी बातें हैं जो आपको व्यापार को सफल करने में काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका व्यापार एक सफल मुकाम पे पहुंच सके, उसके लिए वो वीडियो आप जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी रहा हूँ। आगे आप किस पहलू पे आप वीडियो देखना चाहेंगे जरूर लिखें, आपको क्या चाहिए मेरे माध्यम से, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं ऐसी बातें लेकर आने वाले काफ़ी कम लोग हैं। व्यापार नुकसान हो या फायदे में चले वो अपनी जगह है, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन सही पहुंचनी चाहिए, आपको जानकारी सही मिलनी चाहिए। मेरा भला होना हो वो मेरी किस्मत है, लेकिन आपका भला जरूर होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।